अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरयार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए 46.4 ओवर्स में 171 रन स्कोर किए और उनकी ऑल टीम आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 23.2 ओवर्स में 172 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और इसी के साथ न्यूजीलैंड जो है ये मैच जीत गई। हम दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए या श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन श्रीलंका ने कोई ऐसा खास काम नहीं किया। नसीम भाई, अब कितने चांस हैं हमारे सेमीफाइनल में पहुँचने के? पहला ये अहम सवाल, फिर मैच पर आएंगे। तकरीबन पिछले दो हफ्तों से पाकिस्तानी फैंस के जो तड़पने का, सिसकने का और तरसने का सिलसिला था, मेरे ख्याल आज जाके वो ख़त्म हो गया। ख़त्म भाई, ज़ाहिर है अब मैथमेटिकली तो अगर उठा के देखते हैं तो फिर जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, अगर पाकिस्तान 300 रन करता है तो उन्हें 13 रन पे आउट करना है। अगर पाकिस्तान 400 रन करता है तो उन्हें 112 रन पे आउट करना है। अगर पाकिस्तान 450 रन करता है तो उन्हें 162 रन पे आउट करना है। अगर पाकिस्तान 500 रन करता है तो 211 रन पे आउट करना है। आप 275 रन से पाकिस्तान को मैच जीतना है, और अगर इंग्लैंड कोई टाइटल टारगेट देता है तो आपको 2.3 ओवर के अंदर उसको चेस करना है। तो सेमीफाइनल का ख्वाब देखने वालों को ये कहना चाहिए कि ये दीवाने का ख्वाब बन चुका है, इसको मतलब आप दीवाने का ख्वाब ही देंगे तो हमें 2.3 ओवर में ख़त्म करना है। हाँ, 2.3 ओवर में अगर उन्होंने अब या तो हम उनको जो है वो आउट करें, मेरे ख्याल 21-22 रन पर तो 2.3 रन पर कर सकते हैं। बाकी तो एक और इक्वेशन भी कोई मुझे एक साहब बता रहे थे, कहने लगे कि पाकिस्तान उनको 17 रन पे आउट करे और पहली 3 गेंदों पे 3 छक्के मार के मैच जीत जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन वसीम अकरम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने की तो वो प्रोग्राम से पहले थी लेकिन वो प्रोग्राम में डिस्कस भी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, कि एक ही तरीका है, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले और 20 मिनट के लिए इंग्लैंड टीम को एक कमरे में बंद कर दो, ताकि 10 खिलाड़ी 20 मिनट में टाइम्ड आउट हो जाएंगे और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। यही फाइनल तरीका रह गया अब। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शायकीने क्रिकेट होंगे कहेंगे नहीं नहीं हो जाएगा। अब जैसे मेकअप में बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान 450 स्कोर करेगा और उनको आउट कर देगा, लेकिन बहरहाल भाई हमारी अप्रोच है शरीफ भाई, 260 रन, 270 रन, 280 रन। बाबर आजम अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर 280 रन बनाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अपना टारगेट हासिल कर लिया था। दुनिया 400 पे जा रही है। जिस आज जो श्रीलंका की बॉलिंग आउट बैटिंग आउट हुई है 171 रन पर, पाकिस्तान के खिलाफ वही टीम 344 रन कर देती है, आपके खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम 400 रन कर देती है। आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अपनी लेके गए, एक नसीम शाह नहीं थे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को जो है वो उन्होंने साइड में उठा के बिठा दिया है कि भाई अब आप जो है वो हल्की हल्की गेंदें करेंगे, आपको तो बॉलिंग करने का अच्छा, मौका था। भाई आज जो श्रीलंका हारा है तो कभी ये जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है इससे बाहर हो गए, श्रीलंका के चांसेस बढ़ गए बाहर होने के, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये बाहर हो गए और 4 पॉइंट्स इनके हैं और 9वे नंबर पर है ये, तो अब तो जाहिर है ये 9वे नंबर पर ही रहेंगे। अब बांग्लादेश की टीम अगर आ जाती है 9वे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया से कोई बड़े मार्जिन से मैच हार के, क्योंकि इनके और उनके रन रेट में थोड़ा सा ही फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर बांग्लादेश की टीम बड़े मार्जिन से हार जाती है ऑस्ट्रेलिया से अपने आखिरी मैच में, तो उस सूरत में श्रीलंका इन हो जाएगा और बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। नेदरलैंड की टीम का भी एक मैच बाकी है, वो उसमें क्या करते हैं ये भी देखना होगा। अच्छा नसीम भाई, अगर हम वर्ल्ड कप में अब शुरू में चले जाते हैं क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए, शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तान टीम से, क्योंकि हमने बड़ी दुआएं करनी भाई, अब अल्लाह ताला भी देख रहा होता है जो मेहनत कर रहा है, ज़ाहिर उसको भी फल मिलना है। हम शुरुआत की बात करते हैं, हमारा पहला मैच हुआ नीदरलैंड से, हमने जीत लिया। श्रीलंका से हुआ गो के स्कोर ज़्यादा हुआ था, उसके बाद चेस कर लिया और फिर एक बड़ी फूफा शुरू हो गई थी हमारे यहाँ बड़ी कि भाई पाकिस्तान टीम ने बड़ा हाईएस्ट टारगेट चेस किया है। उसके बाद आप आ जाएं इंडिया पे, इंडिया से आप हारते हैं, अफगानिस्तान से आप हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप हारते हैं, साउथ अफ्रीका से आप हारते हैं, और उसके बाद बांग्लादेश से जीतते हैं, एंड देन न्यूजीलैंड वाला भी आपका ठीक है, फकर ने अच्छी बैटिंग करी। नसीम भाई, अगर हम ऑल ओवर अपनी परफॉर्मेंस पर बात करें, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर, चाहे वो बैटिंग साइड हो चाहे वो बॉलिंग साइड हो, इस वर्ल्ड कप में बॉडी लैंग्वेज, आप उनका उस तरह खेलना, आपको नहीं लगता कि उस तरह शायद वो प्रिपेयर होकर ही नहीं आए थे और अपने जहन में पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स लेकर आए थे? बिल्कुल शरीफ भाई, आप बहुत ही लॉजिकल और बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पर किया कि ये वाकई में हमारी, अगर आप शुरू से बॉडी लैंग्वेज उठा के देखेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद आपको याद होगा कप्तान बाबर आजम के कंधे पर कोई हाथ रख दे तो वो रोना शुरू कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये हाल था। और उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे खिलाड़ियों की इंटेंशन फील्ड में नज़र नहीं आ रही कि वो जान मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें उनके स्टेटमेंट से क्लियर हो गई थी कि मैंने आपको याद होगा हम एशिया कप में बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि शेरी भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई 3-4 साल कप्तानी कर जाए बहुत बड़ी बात है, या तो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हो या फिर वसीम अकरम के ख़िलाफ़ बगावत हो गई, जावेद मियादाद के ख़िलाफ़ बगावत हो गई, यूनुस खान के ख़िलाफ़ बगावत हो गई, कहीं ना कहीं शाहिद खान आफरीदी के ख़िलाफ़ हो गई, कौन बचा कौन है यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है। और मैं आपको कह रहा था कि ये जो दोस्ती यारियों की कस्में खाई जा रही हैं ना, ये दोस्ती यारियाँ आप थोड़े दिन रुक जाएँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दोस्ती यारियाँ कहाँ जाती हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले ऑफ 2019 वर्ल्ड कप। इस वजह से कि उस वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल अगर हम इंग्लैंड को हराते हैं तो तकरीबन सिमिलर रिजल्ट होगा, उसमें भी यही हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के पॉइंट 11-11 थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, लेकिन वहाँ पर इंडिया ने बड़ा खुल के रोल प्ले किया था। इंडिया का रोल ये था, इस पर बैन स्टोक्स ने भी कहा था, तस्करा भी किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे लगा ही नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी ये टारगेट चेस करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया हारता तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो रहा है, तो इंडिया ने वो मैच नहीं जीता था बैन स्टोक्स की वजह से, मैं कह रहा हूँ, बोल सकते हैं कि वो 100% उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट तो ये दी थी, लेकिन लगा नहीं था। 12 की एवरेज चाहिए थी, महेंद्र सिंह धोनी सिंगल कर रहे थे, सरफराज की टांगें उस वक्त खींची गई थी, बहुत सारे लोग जो इस टीम का हिस्सा है उस वक्त इन्होंने सरफराज की टांगें खींची थी। हर वर्ल्ड कप में हमारे साथ यही होगा, उसके बाद जो एक किसी भी कप्तान का आप ये समझ लें कि 2-3 साल का तो हनीमून पीरियड चल रहा होता है, उसके बाद फिर शाहिद खान अफरीदी का जुमला याद आता है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कोई सेज नहीं है बल्कि कांटों का पे चलना पड़ता तो है। तो नसीम भाई की बातें सुन के ना मुझे मुगलिया दौर की कहानियां याद आने लगती हैं कि बादशाह के खिलाफ ऐसे बगावत हुई, ये हुआ, ये सेम पाकिस्तान टीम में ये चल रहा है। लेकिन जो शाकीन क्रिकेट है उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम दुआएं करते हैं बहसीत पाकिस्तानी, लेकिन जो इस वक्त में ऑल ओवर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो डिजर्व नहीं करते थे कि सेमीफाइनल में जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। दुआओं से ही सारे काम नहीं होते, अल्लाह ताला मेहनत भी देख रहा होता है, आपकी मेहनत है नहीं, हम दुआएं करते रहे आपको हीरो बनाते रहे, तो जो और टीमों ने मेहनत की है वो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। आतिफ, अगर हम आज के मैच की बात करते हैं, श्रीलंका ने इतना वीक परफॉर्मेंस दिया जबकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा वो बांग्लादेश से लड़के आए, तो कहते हैं ना लड़के और तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ज़रा वार्म अप हुए हुए होते हैं, तो ये अब क्या लग रहा है कि किस वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी घबरा गए, वीक हो गए, या मेंटली तौर पर रेडी थे कि जी हारना है ताकि पाकिस्तान ना पहुंचे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हर टीम कोशिश करती है मैच जीतने की, जिस तरह न्यूजीलैंड के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच था आज का, तो इसी तरह श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट था। वन साइडेड लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि भाई 35 पे 5 आउट हो गए और सारे जिस तरीके से मारते हुए आउट हुए थे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आपकी टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने का मौका हो और वो जो बैटर आ रहा है वो इधर चला रहा है उधर चला रहा है, कुशाल मेंडिस जो है वो गेंद आउट स्विंग है और वो कैप्टन जो है वो उधर मार रहा है और वो थर्ड मैन पे कैच हो रहा है, आप जरा अप्रोच तो देखें कि भाई समझे बात को समझे। देखिए मैंने तो कल भी आपको अफगानिस्तान वाले मैच में एक बात कही थी कि जिस तरह मैक्सवेल ने छक्के मारे हैं, जिस तरह वो मैच जिताया है वो डाउटफुली मार थी। मैं क्रिकेटर हूँ, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ, बॉडी लैंग्वेज मैं ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप मैक्सवेल की इनिंग आप हाइलाइट्स में भी देख लेंगे ना, उसको हर बॉल या तो आगे किया या पीछे किया है, किसी ने भी बॉल उसको जगह पे किया जानबूझ के हारना चाहते थे अफगानिस्तान। मैं वही मैंने कहा ना डाउटफुली मार खानी, मैक्सवेल पे तो नाक है यार आते भाई, आई मीन मैक्सवेल पे तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई एक प्लेयर ऐसा करके दिखा दे उसको कैसी भी गेंदें करवा दे आप मजे वाली, खासतौर पे जब वो इंजर्ड हुआ और टीम के आउट हो गए। मैक्सवेल में ये एबिलिटी है, वो जब फिट भी होता है तो वो रिवर्स पे छक्के मार देता है, उन बॉलों पे रिवर्स छक्के मारता है जिसपे आम इंसान सोचता है ये कौन सा छक्का मार दिया, तो उसमें ये एबिलिटी है और उसके ओवरऑल छक्के देखें तो वो उसकी लिफ्ट शॉट है ही ऐसा कि वहां से इधर से मार दिया। बहरहाल आज हमें जो लगा वो ये लगा कि श्रीलंका की खास ऐसी इंटेंशन नहीं थी और बस वो एक डल उसके लिहाज से आए थे और वही परफॉर्मेंस है। बहरहाल मैच और मैच तो हार चुके हैं, हमने इनकी क्रिकेट बहुत सपोर्ट की है शेरी भाई, हमने तामिल टाइगर्स के दौर में कि जिस वक्त कोई टीम श्रीलंका नहीं जाती थी उस वक्त हम जाते थे वहां खेलने के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का एक कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जहाँ पे बात होगी पाकिस्तान और इंडिया की तो फिर सब जाके इंडिया के पास ही होते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं और बार बार एक ही चीज़ हमें याद आती है कि साउथ अफ्रीका में का मैच जब हो रहा था, अगर एम्पायर बेमानी न करते तो हम पहुंचे वो थे। ये एक शायकीन के दिल की बात है। उसके अलावा अभी आपने देखा था कि बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में भी बहुत कुछ हुआ। ऐसे एक स्टेटमेंट सामने आया जो मैथ्यू है उनकी फैमिली की जानिब से, उन्होंने कहा है कि अगर शोकेब उल हसन कोई इंटरनेशनल मैच या लंका प्रीमियर लीग खेलने श्रीलंका आएंगे तो उनको पत्थर पड़ेंगे। नसीम भाई, ये स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? पत्थर तक बात पहुंच गई या तो पथराव शुरू हो गया? हाँ, मेरे ख्याल एक नई राइवलरी जन्म ली है जो बांग्लादेश और श्रीलंका की इस एक इंसिडेंट की वजह से। देखिए, एशेज की राइवलरी बनी थी कि वो विकेट्स उन्होंने जला दिए थे तो उसकी राख आज तक ट्रॉफी में जाती है, वो एशेज सीरीज आज तक हो रही है। मेरे ख्याल है कि एक नई क्रिकेट राइवलरी बन गई है ये बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, शायद आने वाले वक्त में इस एक इंसिडेंट की वजह से आप देखेंगे। देखें, ये वर्ल्ड कप का इशू था और वो ज़रा दिल में रह जाता है। जब हमारा आज दिल थोड़ा सा गिरफ्तार है तो ज़ाहिर है वो उनका भी हुआ होगा, लेकिन उनका भाई या उनकी फैमिली मैथ्यूज़ का, ये कोई और अगर बात कहता चलो समझ में आती है, एटलीस्ट मैथ्यूज़ के भाई या फैमिली को ये बात सूट नहीं करती, इस वजह से नहीं करती। ऑलरेडी ये मामला दोनों क्रिकेट बोर्ड के मामला माबेन जो है वो खासा संजीदा हुआ हुआ है, ऐसे में फैमिली का बोलना बनता नहीं है। मैथ्यू उस मैच में रन आउट हो गए मैथ्यूज़, लेकिन उसके बाद के दोनों मैचों में देखें, आज के मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखें, अब हमारी तरफ से तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम शकीब को मारो वो तो जम आएंगे, लेकिन एक आध छुप छुपा के अपने भाई को भी पत्थर मारो, कि आज के मैच में तो उनकी परफॉर्मेंस की बहुत ही जरूरत थी। उन्होंने किस जगह पे परफॉर्म किया? चले मैथ्यूज ने, अगर मैं एक बात देखता हूँ तो किस जगह पे एंजेलो मैथ्यूज की आज भी परफॉर्मेंस आप देखें, 16 रन 27 गेंदे। आज उनकी जब जरूरत थी, उनके एक्सपीरियंस की जरूरत थी कि उन्हें क्रीज पे खड़ा होना है, पिछला मैच आप उठा के देखें तो वो जल्दी आउट हो गए। एक उस इंसिडेंट को बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि देखें, उनके लिए वो मैच इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई शुबा नहीं है। दोनों टीमों के लिए इस वक्त भी मसला वही चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी या नहीं करेंगी। इस इशू पे तो शकीब ने, मैं आज भी कह रहा हूँ, गलती एंजेलो मैथ्यूज़ की। और आज मैं आपको एक बात बताऊँ इस इंसिडेंट के ऊपर, मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि फील्ड अंपायर ने मैथ्यूज़ को 30 सेकेंड पहले कह दिया था कि भाई आप 30 सेकेंड रह गए आपके पास। अच्छा जी, आज के अखबार में ये खबर लगी हुई है। मैंने जब ये अंपायर ने उन्हें आगाह कर दिया था कि 30 सेकेंड रह गए, आके जल्दी खड़े हो, तो उसके बावजूद वो अपने हेलमेट को कि मेरे हेलमेट का ये मसला है और ये वो करते रहे थे, तो अंपायर्स ने उनको आगाह भी किया था। और दूसरी बात ये कि शकीब अगर वो मैच जीते हैं तो आज वो अपनी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जब अंपायर भी आगाह कर चुके तो फिर शकीब को मौरूद इल्ज़ाम इतना क्यों ठहराना है? अच्छा, इधर तो वाकई में जो भी कुछ हुआ वो कानून के तहत हुआ, और ज़ाहिर आप एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, इसमें इस तरह की बातें करना, भाई का शुक्र है अभी शकीब की मिसेस का ये ट्वीट नहीं आ गया कि मेरे शौहर को मार के दिखाओ, ये भाई ICC का इंटरनेशनल मैच चल रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन आतिफ, आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं शकीब उल हसन की, तो शकीब उल हसन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि कुछ ज़्यादा ही हाइपर हैं वो। आप कोई क्लिप में कहीं वो स्टम्प्स उठा लेते हैं, कहीं वो आमिर से आउट होने के बाद विकेट को बल्ला मार देते हैं, कहीं अंपायर पर चढ़ जाते हैं, ये उनका थोड़ा रवैया है अग्रेसिव। अभी वो भी इतने मैच्योर नहीं हुए अभी तक, वो शायद समझने में गली मोहल्ले में खेल रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं इससे फर्स्ट टाइम मिला था 2007 में, जब हम लोग पाकिस्तान एक साथ गए, तो ये वहाँ पाकिस्तान अकेडमी से खेल रहे थे, तो उस टाइम तो बहुत छोटा था, तो यानी कि मैं उसको 2-3 दफ़ा, एक हम लोग के 2 मैच हुए 4 डे के, तो मैंने उसको 2 दफ़ा आउट किया, एक इनिंग में, एक सेकंड इनिंग में, तो दोनों तो नहीं उन्होंने बल्ला वाला दिखाया? नहीं नहीं, उस टाइम तो बहुत छोटा था, यानी कि मैं उसको आउट किया तो मैं उसको क्या बोलता, बच्चा था छोटा। लेकिन अब जो मैं इसका रवैया देख रहा हूँ, तो वो तो अगर आप उनकी BPL के भी देखें तो स्टम्प्स निकाल के कहीं फेंक रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो काफ़ी उनके मामला हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे पहले भी। लेकिन जो आपने बच्चा देखा, तो शकीब भी अच्छा खासा बड़ा हो गया है अब तो। जी जी, मैंने 2007 में देखा था, अब तो यानी कि नसीम भाई पूछ रहे हैं आपकी उम्र कितनी हो गई है। लॉन्ग कट शॉट, लॉन्ग कट शॉट ये तो अच्छा। तो मैं जो था उस टाइम, खैर वो टाइम गुजर गया, इसको कह लेंगे तो ये रवैया आपने शुरू से इनका नहीं देखा था? नहीं देखा था, अभी आया। लेकिन जो अभी इंसिडेंट्स हुआ है वो इस मैच को लेकर मैं थोड़ा सी बात करूंगा कि शाकिब को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। एक ठीक है, एक वर्ल्ड कप का एक इतना बड़ा इवेंट था, इस चीज़ को लेकर अगर आप दूसरे आउट्स भी देखें तो फिर बहुत सारे इस तरह हैं कि आप स्टंप्स कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं, तो आउट के चांसेस हैं। लेकिन ये हरकत इस टाइम पर ये जेब नहीं देती थी। ठीक है, वो मैंने तो खुद देखा है कि वो जब वो क्रीज पर आ गया, अंपायर ने वॉर्न भी किया, वो बंदा क्रीज में आ गया और आगे ऐसे खड़ा हुआ है, देन फिर उसने जब हेलमेट को अपने सही किया
वो नीचे गया बैटिंग करने के लिए तो उसने अपने हेलमेट सही किया, वहाँ स्ट्रिप टूटा उसका, वो स्ट्रिप टूटा हुआ लेकर नहीं आया था उसने, सिर्फ उसको अपने अपने हेलमेट को सही किया, स्ट्रिप टूटा देन फिर उसने हेलमेट मंगवाया, जब हेलमेट मंगवाया तो उसमें वो टाइम लगा और उस पर वो टाइम आउट दे दिया। लेकिन शाकिब को थोड़ा सा यहाँ कर लेना चाहिए था क्योंकि वो क्रीज पर आ चुका था, वो ग्राउंड में लेट नहीं आया था, वो क्रीज पे आने के बाद यहाँ पर। तो फिर बात ये आती है ना कि मैच जीतने के लिए वो तो सारी अपनी ट्राई कर रहे हैं, जैसे रसीम भाई पास कर गए, जेंटलमैन गेम ही रहा क्योंकि जो भी हुआ वो तो लॉ के तहत, जिस तरह का वो मेंटल अप्रोच का प्लेयर था उसने वही हरकत की, क्योंकि उसके पीछे आप रिकॉर्ड देखें तो वो इस तरह की बदतमीजियों वाले और इस तरह के नेगेटिव। बदतमीजी इसमें मैं आज तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप नसीम भाई भी कह रहे हैं, आप शकीब की इस चीज को मानते हैं कि थोड़ा उनका टेम्पर लूज रहता है? देखिए शकीब ना बांग्लादेश क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्लेयर है आज तक की हिस्ट्री का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक की अगर बांग्लादेश की हिस्ट्री उठाएंगे शकीब से बड़ा प्लेयर नहीं आया, शायद उसने उनके दिमाग को थोड़ा सा खराब कर दिया, हल्का फुल्का सा। भाई देखें अभी इसी वर्ल्ड कप की एग्जाम्पल मौजूद है, वर्ल्ड कप चल रहा है और वो अपने पर्सनल ट्रेनर को लेके बांग्लादेश चले गए थे, वहां जाके उन्होंने ट्रेनिंग की थी, अनफिट होने के बाद वो अपने दो दिन के लिए, टीम के कैप्टन है आप, आपका काम टीम के साथ रहना है, आप दो दिन के लिए ढाका चले गए थे, फुल बाहरी चल रहे हूं, पर्सनल ट्रेनर को लेके के मुझे ट्रेनिंग करनी है, तो ये कौन सा एटीट्यूड है भैया? आप टीम के लीडर हो, आपका तो हर हाल में ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड आपका टीम के साथ होना जरूरी है, बिकॉज यू आर अ लीडर ऑफ द टीम, डेफिनेटली आपके लिए ये करना पड़ता है। और मैंने आपको कहा ना हिस्ट्री में पहली दफा हुआ टाइम आउट, और मेरे ख्याल में कि क्रिकेट की हिस्ट्री में एक नई राइवलरी पैदा हो गई है जो शायद क्रिकेट के फरोग में फायदेमंद होगी। हाँ, कि अब इनका मैच भी लोग और से देखेंगे, आप लोग जो है ना वो शायद इस मैच को भी जो है देखें, मैं इंतजार कर रहा हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी बन गया ये। हाँ, राइवलरी पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान वाले थोड़ी हमारे लेवल पे आने में थोड़ा सा शोर शराबा करते, मजा आता है देखने, मजा आता है भाई। देखे ना अब तो अफगानिस्तान पे क्या ज्यादा बात करें, उनके लिए तो यही कह सकते हैं तेरा गम मेरा गम एक जैसा दोनों का ही हो गया ये तकरीबन, अगर बात करें तो दोनों ही आज के मैच के बाद बाहर हो गए। लेकिन अफगानिस्तान से अभी हमारी इंडिया से राइवलरी है, इंडिया से ही राइवलरी अभी ये राइवलरी इस तरह बन गई है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया। देखिए अच्छा नसीम, अफगानिस्तान से राइवलरी क्यों बनी है? एक चीज इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो चीज बहुत डिस्कशन में आ रही है, तो मैंने कहा मैं आपसे जरूर पूछूं। कल आपने खबर दी थी कि इरफान पठान को बाबर ने इंटरव्यू देना मना कर दिया, बहुत से लोग आकर ये कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, इस खबर को उड़ाया जा रहा है बिला वजह में, इसको जरा क्लियर करें क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते ना बैठे बैठे। मैंने कहा नसीम भाई से दोबारा पूछता हूं। देखिए इंडियन मीडिया अगर आप सिर्फ जाके गूगल पे लिखेंगे ना हल्का सा सर्च, ये जिन लोगों के लिए भी है, बहुत सारे लोगों ने कुछ मेरा नाम लेके भी इंडिया के कुछ बड़ी वेबसाइट ने कहा कि एंकर है पाकिस्तान के, आप उन सब लोगों के लिए एक पैगाम है, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखें बाबर रिफ्यूज टू इरफान पठान फॉर इंटरव्यू, एक लाइन सिर्फ लिख दें, उसके बाद अगर आपके पास 12 से 15 कोई चीज़ें नहीं आ जाएं उस हवाले से तो फिर मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। अगर आपको ना नज़र आ जाए आप सिर्फ एक दफ़ा जाके सर्च करें, देखें इंडियन मीडिया नाम भी पाकिस्तान की मीडिया का यूज़ करता है, आपका मीडिया जिस तरीके की खबरें चलाता है वो फिर सारी दुनिया में घूमती है, आपके मीडिया जो है वो क्योंकि एक तो तादाद में बहुत है और आपको अंदाज भी पता है, आप कंफ्यूज करते हैं सबको। सबसे पहले मैं इंडियन मीडिया को कहूंगा कि आपकी कंफ्यूजन होती है, आप बाबर आजम की शेरवानी की खबर किसने दी है उसको जाके जो है वो बाकी लोगों को क्लियर करना पड़ता है, ये क्या पाकिस्तान के मीडिया ने दी थी या किसी और मीडिया ने दी थी। मैं आपको ऐसी 6 खबरें और दिखा दूंगा कि जिसके अंदर दिखाई देगा, तो कोई भी इंडियन मीडिया आप पाकिस्तानी किसी भी सहाफ़ी का नाम लेने से पहले एटलीस्ट ये ज़रूर देखे कि आपका अपना मीडिया क्या खबरें दे रहा है। मेरे ख्याल ये जवाब, ये आपका जो मीडिया, हमने कल भी ये बात की थी, एक तो जहर बहुत उगलते हैं, पता नहीं सुबह क्या खा लेते हो आप लोग कि सुबह से जहर उगलने लगता है और आग उगलने लगते हैं मुंह से। दूसरी बात ये कि भाई कोई भी चीज़ करें तहकीक करके करें, नसीम भाई ने इससे पहले भी जो हमें खबरें दी वो बाद में खबरें बनी हैं, जबकि उन्होंने पहले शो में बताया और उसके 3 दिन बाद वो खबर आ रही होती है। तो ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ करने से पहले तहकीक ज़रूर किया करें, हम तहकीक ज़रूर करते हैं। शेरी भाई है आपकी, यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या नसीम भाई ने जो खबर दी थी कि इरफान पठान को बाबर आजम ने साफ साफ मना कर दिया था इंटरव्यू देने का, क्या वो झूठी खबर थी? लेकिन नसीम भाई ने पूरी वजाहत की, लेकिन नसीम भाई कह रहे हैं नहीं भाई, मैं अब पूरा दिखा के रहूंगा। नसीम भाई ने कहा था कि गूगल पर सर्च करें, क्योंकि गूगल ना मेरा बनाया हुआ है ना नसीम भाई का बनाया हुआ है। नसीम भाई सर्च करके बता दें जी। जी ये मैंने लिखा है, बाबर रिफ्यूज टू टॉक विद इरफान पठान। उसमें जो स्टार्ट हुए वो आप अगर क्लोज है तो आप ज़रा इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। ये सारी चीज़ें इसी लिहाज से भरी हुई है। मैं ज़रा आपने देख लिया हो तो मैं पढ़ देता हूँ। बाबर आजम रिफ्यूज़ टू गिव इंटरव्यू टू इरफान पठान, वॉच इरफान पठान रिवील्स व्हाट हैपेंड बिटवीन हिम एंड बाबर आजम, बाबर आजम वर्सेज इरफान पठान, बाबर आजम रिफ्यूज़ इरफान पठान, ह्यूज फाइट बिटवीन बाबर आजम एंड इरफान पठान, ह्यूज फाइट। ये कोई पाकिस्तान का चैनल नहीं दे रहा, ये इंडिया का चैनल दे रहा है, ये कोई और नहीं दे रहा। अच्छा, बाबर आजम रिफ्यूज टू गिव इंटरव्यू टू इरफान पठान, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फखर एंड नॉट बाबा। अच्छा, वॉच इरफान पठान रिवील्स व्हाट हैपेंड बिटवीन हिम, बाबर आजम रिफ्यूज टू गिव इंटरव्यू टू इरफान पठान। आज मैं इसको खोलता जाऊंगा तो ये स्टोरीज आती चली जाएंगी, मैं बाकी नीचे भी आ जाता हूँ। बाबर आजम रिफ्यूज टू गिव इंटरव्यू टू इरफान पठान, हेयर इज वाई बाबर आजम डिनाइड इरफान पठान फॉर एन इंटरव्यू ऑन स्टार स्पोर्ट्स, डिड बाबर आजम टर्न डाउन इंटरव्यू रिक्वेस्ट बाय इरफान पठान। अरे नसीम भाई, बस भाई मैं सिर्फ बच्चे, समझ गए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने कल भी अपने यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए मीडिया को ही कोट किया था, वो आपका मीडिया था, तो आप जरा थोड़ी सी ध्यान करें, क्योंकि ज़ाहिर आप हम समझते हैं आप सही स्टोरी दे रहे होंगे आप, और हम ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम यहाँ बैठे हुए हम आपके मीडिया को अथेंटिक समझ के बहुत सारी चीज़ें कोट कर जाते हैं, तो बराए मेहरबानी बेहतर चीज़ है। हर कहते हैं ना, चीखती चिंगारती भी चीज़ सच नहीं होती है, तो इसी तरह अगर आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ये देखें इस व्यक्ति को, ये ज़रूरी नहीं है भाई। और आपके मीडिया को चाहिए कि कन्फ्यूज़ ना करें, और भी बहुत सारी चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, क्रिकेट में कन्फ्यूज़ ना करें भाई। जो हमारे साफ़ी हैं उन्होंने तो सबूत के साथ दे दिया, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई, सामने के सामने सबूत दे दिया। नसीम भाई आगे चलते हैं, अपनी पाकिस्तान टीम की तरफ भी आते हैं। इंजमाम उल हक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, और ये भी कहा गया कि जी 6 महीने तक ये किसी टी वी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकते थे, और इस फैसले को रोका हुआ था, लेकिन इस इंटरव्यू को देखने के बाद इनको फारिग कर दिया गया, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया गया रिजाइन को। इंजमाम उल हक खासे मीडिया पे बैठे हुए और अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंजमाम ने ये बात भी कही कि क्रिकेट बोर्ड ने इल्ज़ामात तो लगा दिए, मगर अब बोर्ड इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा और ना रापता कर रहा है। ये एक ईमेल भी की उन्होंने परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मुझे बुलाया जाए, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा, जो जवाब दिया, एक तो इंजमाम का इस्तीफ़ा जो उन्होंने दिया था वो मंजूर हो गया, एक हफ्ते के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर किया, उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी है और आपको ज़रूर बुलाया जाएगा और मदू किया जाएगा। देखिए, इंजमाम उल हक बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए, ऐसा लग रहा है इस मामले में, बहुत ज़्यादा मीडिया में चले गए, और अब ज़्यादातर वो ये बात कर रहे हैं मेरी इस मुल्क के लिए इतनी खिदमत है, मेरी मैंने इस मुल्क के लिए ये किया। जहाँ पर बात आती है याजू इंटरनेशनल की, तो मोस्टली वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि याजू इंटरनेशनल में वो डायरेक्टर हैं, लेकिन वो एक है स्कूटर का हेलमेट बेचने वाली कंपनी है, उसके वो डायरेक्टर हैं, और उसका कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता पाकिस्तानी प्लेयर्स की मैनेजमेंट से। लेकिन एक कंपनी यहाँ पर काम कर रही है जिनके एक डायरेक्टर हैं, वो उनके वहाँ भी पार्टनर हैं, उस कंपनी में भी, इंग्लैंड की कंपनी में भी पार्टनर हैं, तला रहमानी साहब। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। देखिए, इससे पहले जो आलिया रशीद साहिबा ने ख़ुद को अलहदा कर लिया कमेटी से, आलिया रशीद साहिबा का मैंने स्टेटमेंट देखा था जिसमें उन्होंने बात कही थी कि इंजमाम उल हक के हवाले से इंक्वायरी चल रही है और बता देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे रिजवान के हवाले से, मैंने अखबार में जो खबर देखी थी, मेरी खुद उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि रिजवान के ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। हालांकि अगर रिजवान पर साबित नहीं होती है तो फिर इंजमाम में भी साबित नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टर हैं। तो ये चीज़ इस पर इंजमाम को बहुत ज़्यादा जारहाना रवैया इंजमाम का दिखाई दिया, इस लिहाज से कि वो जैसे अपनी पोजीशन को बहुत क्लियर करने में लगे हुए। देखिए, अगर आप सच्चे हैं इंजमाम उल हक साहब, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा मीडिया पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप खुद ही ये बात कह रहे थे कि आप वर्ल्ड कप तक रुक सकते थे, वर्ल्ड कप के बाद भी जो है वो बात हो सकती थी, तो आप तो अभी पाकिस्तान टीम की कैंपेन चल रही है, तो आप हर चैनल पे बैठे हुए, तो आपने कहा कि इंडियन मीडिया, तो अब इंडियन मीडिया आपको कोड नहीं कर रहा, वो तो हर चीज़ को कोड कर रहा है। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि याजू की बात आती है,
तो इंजमान साहब ने कह दिया कि जी पहले मेरा ताल्लुक नहीं, फिर पता नहीं क्या स्टेटमेंट आप बता रहे हैं कि स्कूटर का हेलमेट बेचने वाली कंपनी बना दिया, बता रहे हैं कि वो कुछ इस तरीके की हेलमेट बेचती है, इस तरह की चीजें आ गई। लेकिन जब अगर कोई ऐसी कंपनी थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी और एक कंपनी के बारे में बात आई, तो आपने इस्तीफा क्यों दे दिया फौरन? अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, इस्तीफा अगर आपने देना था तो आप जिस दिन ये खबर आई थी ना कि ये मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी बैठे, ये जो मेरे हवाले से बात की गई है मैं पहले क्लियर करके फिर मैं आऊँगा, जब ये खबर आई थी आप उसी वक्त रिज़ाइन करते तो अच्छा होता, आप उस वक्त चुप करके लगे रहे। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक मामलात पहुँचे और उसके बाद इंक्वायरी की बात हुई तो आपने रिज़ाइन कर दिया। तो क्या वो बार बार इंजमाम कह रहे हैं कि मुझे क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए था, मैं उनका एम्प्लॉय था। आप मेरा नहीं ख्याल था कि अगर इंक्वायरी कमेटी बनी थी तो इंजमाम उलग को रिज़ाइन करना चाहिए था। इंजमाम बैठते वहाँ पे कि मैं यहीं बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई ये जो जितने भी इल्ज़ाम लग रहे हैं गलत है, मैं कहीं नहीं जा रहा। देखिए, या तो रिज़ाइन करते तो उस वक्त करते कि जिस वक्त खबर आई थी, या इंक्वायरी बन गई थी तो इंक्वायरी के सामने जब बोलोगे मैं यहीं बैठा हूँ ऑफिस में, जब बोलोगे आके पेश होंगे। अच्छा नसीम भाई, पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया रहा है और ये और भी जगहों पर हमने देखा है अलमिया रहता है, रात गई बात गई। आपको क्या नहीं लगता क्या ये यादू वाला मैटर सिर्फ वर्ल्ड कप में हो रहा है और उसके बाद फिर बस रात गई बात गई, हम भूल जाएंगे क्योंकि रिजवान को तो अभी से बचाने की प्लानिंग हो रही है? शेरी भाई, आज तक जितनी इंक्वायरी कमीशन बैठे, सिर्फ एक मलिक मोहम्मद कयूम कमीशन की रिपोर्ट देखी है मैंने, इसके अलावा लास्ट वर्ल्ड कप था उसके लिए एक तहकीकाती कमेटी बनी थी कि उसका जायज़ा लिया जाएगा, उस कमेटी के अंदर इकबाल कासिम साहब भी थे, और उस कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। आज तक हमने वो रिपोर्ट नहीं देखी कि उस इससे पहले वर्ल्ड कप के ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। देखिए, ये कमेटी वो कमेटियाँ बनी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ख़राब कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए। ये कमेटी पाकिस्तान टीम की ख़राब कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए नहीं बनी है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का, टीम के एक इंतहाई अहम रुकन का, वो तो साबित होता है या नहीं होता, ज़ाहिर इंक्वायरी हो रही है हम नहीं बोल रहे, लेकिन वो नज़र आया था तो ये वाली इंक्वायरी बैठी है, ये ज़रूर सामने आनी चाहिए, इस वजह से आनी चाहिए। देखें, एक एक आदमी अगर 8-8 लड़कों को मैनेज करेगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 2 या 3 प्लेयर से ज़्यादा कोई मैनेजर नहीं होना चाहिए, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो ही नहीं सकता। शरीफ भाई, वजह ये है, हम 9 खिलाड़ियों का फिर एक ही कंपनी हमें मैनेज करती है, हमारा मोस्टली जो कमर्शल्स और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, एक सेंटीमेंट्स ऑटोमेटिकली हमारा डेवलप हो जाता है, एक सेंटीमेंट्स ऑटोमेटिकली कंपनी का हमारे साथ डेवलप हो जाता है, हमारा कंपनी के साथ डेवलप हो जाता है, वहाँ हमें उनकी बात भी सुननी पड़ती है, वहाँ उनको हमारी बात भी सुननी पड़ती है, रखनी भी पड़ती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस इंक्वायरी का रिजल्ट जरूर आना चाहिए। बिल्कुल जी, इंक्वायरी का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि मैं इतने अरसे से एक चीज़ देख रहा हूँ कि इंक्वायरी कमेटियाँ बन जाती हैं, उसके बाद हम भी भूल जाते हैं, हमारा भी मसला ये, एक नई खबर आती है हम उसके पीछे चले जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सवाल किया कि ये ना हो कि रात गई बात गई, क्योंकि इसमें बड़ा अहम रोल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, तो इसका रिजल्ट हमारे सामने ज़रूर आना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरयार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।